हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट अकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट अकेडमी में। इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 की मैट्रिसेस 2x2 ओनली। ठीक है, जो मैट्रिसेस 2x2 हैं वो सोल्व करने वाले हैं, उनका इनवर्स निकालने वाले हैं। इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसका हमें इनवर्स निकालना है और ये मैट्रिक्स हमारी ए, एज्यूम कर लीजिए आप इसको। तो मैं रो वाला मेथड लगाता हूँ। रो आपको पता है, रो के लिए अगर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो हम इसको लिख देते हैं ए इज इक्वल्स टू ए आई ए। ठीक है, और ए हमारे पास है यहाँ पर मैट्रिक्स 1 -1 2 3। आई हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और ए यहाँ पर एज इट इज। ठीक है, सबसे पहले आपने इस तरीके से लिख दिया मैट्रिक्स को। अब आपको करना क्या होता है, इसको आइडेंटिटी बनाना होता है, इस वाली को 1 0 0 1 बनाना होता है। तो इस तरीके से आप कुछ ऐसा करो कि ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो कि ये जीरो बन जाए। तो यहां पर आप देख सकते हो, इस टू को मैं जीरो बना सकता हूं। कैसे? अगर इस आर टू में से, ये आर टू है आपके पास, रो टू और ये आर वन है, इस आर टू में से 2 R1 माइनस कर देता हूं तो। ठीक है, तो आर टू में मैं कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूं, आर टू माइनस 2 R1। अब आपको करना क्या है, यहां पर आर वन तो आपकी एज इट इज रहेगी 1 -1, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 2 -2, ये हो जाएगा आपके पास जीरो। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और 3 -2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास प्लस हो जाएगा, +2 और ये 5। यहाँ पर ये फर्स्ट रो इसकी एज इट इज रहने वाली है, 0 -2 यहाँ पर -2 और ये 1 यहाँ पर ए एज इट इज। ठीक है, अभी ये 1 है, ये 0 है, यहाँ पर इसको भी 0 बनाना है और इसको 1 बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली कर सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से अगर आर टू में 1/5 आर टू मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होने वाला है आपके पास, ये जो रो 1 है, 1 -1, ये तो एज इट इज है, सभी नंबर के साथ, सभी एलिमेंट के साथ यहाँ पर 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो 0 रहेगा और यहाँ पर ये 1 बन जाएगा यहाँ पर एज इट इज। और ऐसे ही यहाँ पर 1 0 -2/5 और 1/5। अब आपके पास ये बनने वाली है मैट्रिक्स, यहाँ पर सिर्फ ये -1 रह गया है। ठीक है, इस -1 को भी हम कर सकते हैं। कैसे? अगर पूरी R1 को R2 में से ऐड कर लेते हैं। अब ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं R1 में, यहाँ पर ये R1 + R2 हो जाएगा, 1 + 0 1, -1 + 1 0, और ये 0 1 एज इट इज, क्योंकि R2 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है। 1 -2/5 क्या होता है, 3/5, और 0 और 1/5 क्या होता है, 1/5। अब ये -2/5 और 1/5 एज इट इज, और ये आपका ए। अब आपके पास ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर, ये बन गई है आई। ठीक है, और ये बन गई है कोई बी मैट्रिक्स, और ये ही आपके पास क्या होती है, इनवर्स मैट्रिक्स होती है। ठीक है, ये क्या है, बी इनवर्स है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया गया है, ए मैट्रिक्स है कोई 2 1 1 1 1। ठीक है, ये आपको दी गई है। अब सबसे पहला ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं, आर वन में से मैं सिर्फ आर टू ही माइनस कर देता हूँ। ठीक है, R1 में से R2 माइनस कर देता हूं, इसको लिख देता हूं यहां पर, ये इक्वल्स टू 1 0 0 1 डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो यहां पर R1 में से R2 माइनस कर देता हूं, तो यहां पर ये आपके पास क्या आ जाएगा, R1 के लिए ऑपरेशन है, तो ये 1 0 और ये 1 1 एज इट इज। ठीक है, ऐसे ही यहां पर ये 1 -0 0 1 0 -1 -1 और 0 1 एज इट इज आपके पास, और ये ए आपके पास एज इट इज। अब ये 1 0 1 1 है। अब आपको ऑपरेशन क्या लगाना है, आप R2 में से R1 माइनस कर दो, सिंपल। तो जब आप R2 में से R1 माइनस करोगे, R1 तो एज इट इज रहेगी, लेकिन 1 -1 0 हो जाएगा, 1 -0 1। ठीक है, और यहाँ पर 1 -1 एज इट इज, 0 -1 -1, 1 -2 हो जाएगा +2, और ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई है। अब आपको पता है ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी, ये आपका बी है, ये इसका इन्वर्स है। इनवर्स वेरीफाई कर भी सकते हो आप इस मैट्रिक्स ए में, जब आप इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आइडेंटिटी आएगी। तो आप मल्टीप्लाई करके चेक करना, आपके पास ये ही आने वाला है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है 1 3 2 7, ये ए लिख देता हूँ, और आई यहाँ पर आएगा 1 0 0 1 और ए के इक्वल। ठीक है, अब लगाता हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें। सबसे पहले क्या करता हूँ, R2 में से 2 R1 माइनस कर देता हूँ R2 के लिए। तो R2 के लिए R2 -2 R1 करता हूं, तो फर्स्ट रो तो एज इट इज है, 2 -2 हो जाएगा यहां पर आपके पास 0, 7 -6 हो जाता है 1। ठीक है, 2 R1 है ना, इसलिए अब 1 और 0 एज इट इज है, 0 -2 हो जाता है -2, और 1 -0 हो जाता है यहां पर 0, तो 1 0 -2 1 आ गया है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, ये आपके पास सिर्फ ये नंबर रहा है, इस नंबर के लिए आप क्या कर सकते हो, R1 में R1 -3 R2 कर सकते हो ना, तो यहाँ पर ये 1 तो एज इट इज रहेगा, 1 -0 और 3 -3 हो जाएगा 0 और 0 1 एज इट इज। तो ये आइडेंटिटी बन गई है।
यहाँ पर 1 माइनस 3 आर टू, तो 3 आर टू मतलब यहाँ पर 6 और 1 प्लस 6 हो जाएगा तो 7, और ये तो 0 है आपके पास यहाँ पर 0 एज इट इज, और ये वैल्यू जो थी आपके पास यहाँ पर ये 1 थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको माइनस कर दो तो ये 0 माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस 3, अब यहाँ पर माइनस 3 आ गया है, ठीक है, और माइनस 2 और 1 एज इट इज, तो आपके पास जो इनवर्स आ गया यहाँ पर ये इनवर्स हो गया आपके पास, ठीक है। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चंस करने हैं आपको सॉल्व। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको मैट्रिक्स दी गई है 2 3 5 7, ठीक है, इसको आप ए एज्यूम कर लो और ए इज इक्वल टू आई ए, फिर से वही करना है। अब आप यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिख लो अपनी 2 3 5 7 और यहाँ पर आई, ठीक है, 1 0 0 1 और ए एज इट इज। इस मैट्रिक्स को क्या बनाना है आपको पता ही है, इसको बनाना है आइडेंटिटी। अब यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर इसको मैं 1 और 2 कर सकता हूँ कैसे, अगर मैं R1 में से 3 R1 - R2 कर देता हूँ, ठीक है, R1 में 3 R1 - R2 कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 6 - 5 1, और यहाँ पर 3 मतलब 9 - 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और 5 7 एज इट इज। ऐसे ही यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3 R1 मतलब 3 - 0 3 और 0 - 3, यहाँ पर ये 0 - 1 और ये -1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये आपके पास आ गया है और 0 1 एज इट इज, ये ए एज इट इज। अब यहाँ पर ये 1 2 है और यहाँ पर ये क्या 5 7, तो आप नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर सकते हो, R2 में अगर मैं R2 - 5 R1 - करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर R2 मतलब यहाँ पर 2 5 R1, 5 - 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 0, 1 2 ये 0 और ये 1, ठीक है, क्योंकि जब आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया ये 1 नहीं -3 होने वाला है, ये 5 मल्टीप्लाई करते हो तो 7 - 10 आता है आपके पास -3। अब ये आ गया आपके पास, ऐसे ही यहाँ पर ये लेफ्ट साइड आ जाएगा 3 - 1 - 15 और 6, और ये आपके पास ए है। अभी कुछ नंबर रहते हैं, अब आपको पता है यहाँ पर -3 है और यहाँ पर आप किसकी डिवाइड कर सकते हो, इसको आप इससे डिवाइड कर सकते हो, पूरी R2 को डिवाइड कर सकते हो -1/3, या मल्टीप्लाई कर सकते हो -1/3 × R1, तो ये 1 2 0 1, ठीक है, और यहाँ पर ये 3 - 1 और आपके पास -1/3 है तो ये 5 और यहाँ पर ये -1/3 है तो 2 आ जाएगा और ये a आ चुका है आपके पास। अब ये 1 2 0 1 है, अब आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ R1 - 2 R2 करना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, तो R1 के लिए 2 R2 माइनस करोगे 2 0 ही होने वाला है तो सेम, और यहाँ पर ये 0 और 0 1, और ऐसे ही आप यहाँ पर कर दो 3 - 2 R2 मतलब 3 - 10, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -7 और ये 3 और ये 5 और -2 और ये ए मैट्रिक्स, तो आपके पास ये इनवर्स आ गया है। इस तरीके से आपको जो है इनवर्स निकालना है। अब हम मूव करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इसमें हमें मैट्रिक्स दी गई है 2 1 7 4, ठीक है, ये आपके पास क्या है ए है, फिर से हमें सेम कॉन्सेप्ट लगाना है ए इज इक्वल टू आई है। मैं रो मैट्रिक्स रो ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ, आप कॉलम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं, सिंपल है, आप वो भी आप उससे आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, सेम मेथड है, सिर्फ आपको करना क्या है यहाँ पर वो ही प्रोसीजर अप्लाई करना है, ठीक है। ये आप ए इज इक्वल टू आई ए लिख दिया यहाँ पर, अब यहाँ पर ये लिख दिया आपने, अब आर वन के लिए मैं कौन सा लगा सकता हूँ, कोई भी ऑपरेशन, आर वन के लिए मैंने लगा दिया 4 R1 - R2, ठीक है, 4 R1 किया, R1 में 4 की मल्टीप्लाई की और R2 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर 4 × 2 8 8 - 7 1, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया 4 - ये 0 और 7 4, ठीक है। अब यहाँ पर 4 ने आप मल्टीप्लाई किया 4 - 0 0 और ये 0 आप 4 मल्टीप्लाई किया 0 में आपने, तो ये 0 और माइनस आपके पास ये -1 0 1 एज इट इज, और ये 1 0 बन गया, अब इसको आपको 0 1 बनाना है, तो आप क्या करो यहाँ पर R2 में R2 - 7 R1 कर दो, क्योंकि जब आप 7 - 7 माइनस करते हो तो यहाँ पर ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास 1 0 एज इट इज, ये 0 और ये यहाँ पर 4 एज इट इज, ठीक है। ऐसे ही अब आपके पास यहाँ पर 4 और -1 तो एज इट इज, लेकिन 0 - 7 आप करते हो तो ये माइनस क्या आता है, -28 आता है और ये 8 आता है ए एज इट इज। अब ये 4 है तो आप R2 में R2 / 4 कर दो, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 1 0 0 1, ठीक है, और ये 4 - 1, जब आप इसमें 4 से डिवाइड करते हो या 1/4 से मल्टीप्लाई करते हो तो -7 और 2 आता है और ये A, और ये आपके पास आ गई है मैट्रिक्स आपका बी इनवर्स जो हमको फाइंड आउट करना था। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, मैट्रिक्स है 2 5 1 3,
इसको आप फिर से ए एज्यूम कर लीजिए और लिख दीजिए नेक्स्ट ए इज इक्वल्स टू आई। सेम प्रोसीजर अप्लाई कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कुछ भी भूलने नहीं वाले हो, ठीक है। इतने मेथड्स आपको पता चल जाएंगे कि आपके पास कोई भी इशू नहीं रहेगा किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो 2513 है, तो अब अगर मैं आर वन में से आर टू माइनस करता हूँ, यहाँ पर आर वन के लिए आर वन माइनस आर टू करता हूँ, तो यहाँ पर ये वन और ये टू और वन थ्री एज इट इज, ठीक है। आप वन माइनस जीरो वन, जीरो माइनस वन जीरो वन, और ये ए एज इट इज। अभी R1 में से R2 माइनस आपने किया है, अब आप R2 के लिए R2 माइनस R1 कर दो, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपके पास 0, 3 माइनस 2 1, ये 1 2 0 1 आ गया है। यहाँ पर 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस माइनस 2 2, और 1 और माइनस 1 एज इट इज, ये A। अब आपके पास सिर्फ यहाँ पर क्या रह गया है, 2 रह गया है, और इस 2 के लिए आप क्या कर सकते हो, R1 में से R1 माइनस 2 R2 कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं हमने, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 2 0 क्या हो जाएगा आपके पास 1, और यहाँ पर ये 0 0 1, और आपके पास यहाँ पर ये आ जाता है आपके पास 3 माइनस 5 माइनस 1 2, और ये A, ये आपके पास B है इनवर्स इस मैट्रिक्स का। इस तरीके से इनवर्स निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 में हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या दिया गया है, 3 1 5 2, इसको आप ए एज्यूम कर लीजिए मैट्रिक्स को। अगेन हमको सेम प्रोसीजर ए इज इक्वल्स टू आई ए लिखना है, ठीक है। मैट्रिक्स आपके 3152 है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1001 और ए मैट्रिक्स। तो इससे चलिए मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आर वन मैट्रिक्स में से 2R1 करने के बाद माइनस आर टू कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको 6 बना लूंगा और यहाँ पर 5 है तो ये 1 बन जाएगा और ये 1, ठीक है। ऐसे ही 2 माइनस 2 आ जाता है आपके पास 0, और यहाँ पर 1 ये 2R1 माइनस 0 मतलब 2 माइनस 0, और यहाँ पर 0 माइनस 1 ये माइनस 1, और 5 2 एज इट इज 0 1 एज इट इज, ये आपकी मैट्रिक्स यहाँ पर कुछ ऐसे बन गई है। अब हम मुझे इसको 0 और 1 बनाना है, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, R2 में R2 माइनस 5 R1 कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर ये 2 एज इट इज, ठीक है, और 2 माइनस 1, और यहाँ से ये माइनस 5 हो जाएगा माइनस 10, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, ये 10, ठीक है, माइनस 10, और यहाँ पर यहाँ आपके पास 1 और माइनस माइनस 5 हो जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस 5 मतलब 1 प्लस 5, और ये 6 आ जाता है, और ये A एज इट इज। तो ये आपके पास ये मैट्रिक्स रह गया, सिर्फ एक एलिमेंट रह गया है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, पूरी इक्वेशन को कर सकते हो मल्टीप्लाई किस से, 1/2 से, 1/2 आर टू, तो 1001 आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, और माइनस 2 1, और ये आपके पास 1/2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5 और 3, और ये A, और ये मैट्रिक्स आ गई आपके पास B मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन 7 हो जाता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या दिया गया है, मैट्रिक्स फिर से 4534, और ये मैट्रिक्स A है, और आपको क्या लिखना है, A इज इक्वल्स टू आई ए, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ये मैट्रिक्स आपकी 4534, इसकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, और मैट्रिक्स 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए निकालना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, तो आपको करना क्या है, आर वन माइनस आर टू, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1 3 4 एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर 1 और माइनस 1 0 1, और ये ए एज इट इज, ठीक है। अब आपको आदत हो गई होगी किस क्वेश्चन को करने से, 1 1 3 4 है। अब आपको करना क्या है, आर टू में से आर टू माइनस 3 आर वन कर दीजिए आप, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 1 0, और यहाँ पर ये 1, ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पर 4, ये आपके पास आ जाता है 1 माइनस 1, और ये माइनस 3 और 4। अब यहाँ पर ये सिर्फ एलिमेंट रह गया, इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बना देते हैं, R1 माइनस आर टू, ठीक है। यहाँ पर 1 0 0 1 आ जाता है, और आपके पास ये वाला जो एलिमेंट है 1 माइनस माइनस 3 हो जाता है प्लस, और ये आ जाता है 4, -1 -4 हो जाता है -5, और यहाँ पर ये -3 और 4, और ये आपके पास ए मैट्रिक्स, ये आ गया है आपके पास इनवर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, तब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें मैट्रिक्स दी गई है 3 10 2 7, तो सिंपली इसको भी हमको क्या करना है, इनवर्स निकालना है। सभी क्वेश्चन के लिए ए इज इक्वल्स टू आई ए है आपके पास, 3 10 2 7 लिख दीजिए, और यहाँ पर ये इनवर्स है आपके पास, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपली मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है। तो R1 के लिए आप क्या कर दीजिए, R1 माइनस R2 कर दीजिए, तो ये 3 माइनस 2 1, और 10 माइनस 7 3 आ जाता है 0। अब आपको लगा दीजिए, ये 1 3 2 7 था हमारे पास, और यहाँ पर 1 माइनस 1 0 1, और R2 में लगा दीजिए आप R2 माइनस 2 R1, तो यहाँ पर आपके पास ये जो ऑपरेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 3 0 1 -1 -2 3 और A। अब आपको सिर्फ 3 को आपको 1 बनाना है, तो आप कर दीजिए
आर वन में से आप थ्री आर टू माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर 1001 और इसमें से थ्री आर टू आप माइनस करेंगे तो 7 -10 और -2 3 और यहाँ पर ए, तो ये आपके पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आ गई है जिसका नाम होता है बी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमको एक मैट्रिक्स दी गई है 3 -1 -4 2 और यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी गई है ए, ठीक है। अब हम इस मैट्रिक्स को हमें सोल्व करना है तो सिंपली फिर से वही प्रोसीजर लगा देते हैं, ए इक्वल्स टू आइए 3 -1 -4 2 और ये मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 0 1 और आपको मैट्रिक्स निकालनी है बी जिसका इनवर्स। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा देते हैं अपना, आर वन में लगाते हैं, आर वन के पास लगाते हैं 3 R1 + 2 R2, तो 3 R1 + R2 करते हो आप 1 1 0 6 आता है और यहां पर 3 2 ये 1 1 -4 2 आता है और 3 2 0 1 और ये मैट्रिक्स ए एज इट इज, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है आर टू में, तो यहाँ पर ये R2 + 4 R1 हो जाएगा और आपके पास ये आता है 1 1 0 6 मैट्रिक्स 3 2 12 9 और ये सेम मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, R2 को 1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 1 0 1 और ये बन जाता है 1 1/2 2 3/2 और ये मैट्रिक्स ए और ये आपके पास बी था। इस तरीके से हो जाता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ जो कि हमारी मैट्रिक्स है 11th मैट्रिक्स। इसमें हमें मैट्रिक्स दी गई है ए जिसकी एलिमेंट्स है 2 -6 1 और -2। अब आपको क्या करना है, ए इज इक्वल्स टू आई ए करना है फिर से 2 -6 1 -2 और यहाँ पर ये क्या है 1 0 0 1 और ये मैट्रिक्स है आपके पास ए एज इट इज। सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन आर वन में लगाइए, आर वन माइनस आर टू, ठीक है। और ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हो 1 -4 और 1 -2 एज इट इज, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये 1 -0 1 और ये -1 0 1। सिंपल वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ किस तरीके से ऑपरेशन लगाने हैं यहाँ पर आपको। अब ये आ गया है आपके पास, फिर आप क्या करते हो आर टू में लगाते हो मैथमेटिकल ऑपरेशन, आर टू माइनस आर वन कर दीजिए और जब आप आर टू माइनस आर वन कर दोगे 1 -1 0 -2 आ जाता है और ये आ जाता है 1 -1 -1 2 और ये मैट्रिक्स ए एज इट इज। और यहाँ पर अब आर टू माइनस आर वन कर दीजिए तो यहाँ पर ये 2 था तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 आर टू आ जाएगा तो 1 -1 0 1 आपके पास आ जाता है और मैट्रिक्स बन जाती है आपके पास यहाँ पर 1 -1 -1/2 1 और ये ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर क्या है -4 तो आपको आर वन क्या कर दीजिए R1 -4 R2 कर दीजिए। जब आप ये करते हैं तो आपके पास मैट्रिक्स आ जाती है लास्ट में 1 0 0 1 और -1 3 -1/2 1 और ये आपके पास आ गई है बी मैट्रिक्स। इस तरीके से आपको सोल्व करनी है, सिंपल आपको क्या करना है यहाँ पर ऑपरेशन लगाने हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें मैट्रिक्स दी गई है ए जिसमें एलिमेंट है 6 -3 -2 1। अभी आपको मैट्रिक्स दी गई है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ए मैट्रिक्स दी गई है ए इक्वल्स टू आपको पता है -6 -3 -2 1 है। आप सिंपल यहाँ पर रो ऑपरेशन लगा दीजिए R2 R2 + 3 R1। अब आप यहाँ पर देखिए आपके पास पूरी जो रो है वो जीरो बन गई है तो आप यहाँ पर इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए 1 0 0 1 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर ये सभी एलिमेंट्स क्या बन गए रो टू के जीरो, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब हम मूव करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ए इज इक्वल्स टू आई ए लिखा है हमने और आर वन में R1 + R2 कर दिया है तो ये -2 और -1 आप कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 2 और -1 1 हो गया, -3 और 2 -1। इस तरीके से फिर हम फिर से हमने सेकंड ऑपरेशन लगाया यहाँ पर R2 = R2 + R1, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाती है, लास्ट ऑपरेशन लगाया हमने R1 में R1 + R2 तो ये हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आ गई है बी। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास 2 1 4 2 मैट्रिक्स दी गई है, इसको आप लिख लीजिए इज वस्ट टू आई ए, लेकिन जब आप इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं R2 R2 - 2 R1 तो यहाँ पर भी सेकंड रो हो जाती है जीरो, इसलिए आपको निकालना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगी कोई भी मैट्रिक्स। इस तरीके से वीडियो जाती है कंप्लीट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।